पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील वासु रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि आंदोलन के कारण 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। इससे अम्बाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए जाएं। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। वासु रंजन ने अपनी याचिका में कहा था कि अम्बाला और शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में है, एम्बुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा पंजाब के वकीलों को भी अम्बाला से पटियाला और पटियाला वालों को अम्बाला की अदालतों में आने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। रोड को बंद करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। रोड बंद होने से अम्बाला और पटियाला जिले का छोटा बड़ा काम बंद हो चुका है। यह हाईवे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, जिसके बंद होने से न केवल सरकारों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम आदमी भी परेशान है।